हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए लगातार सफर करते हैं, कभी बस से तो कभी विमान से, और अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी एक प्लेन क्रैश में खत्म हो जाएगी और मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा। जी हाँ, मैच फिक्सिंग के दागी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिये ने यह बात अपनी मौत से कई साल पहले अपने बड़े भाई फ्रांस से कही थी। फ्रांस ने मई 2012 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हैंसी ने अपनी जिंदगी एक दशक पहले ही खत्म होते देख ली थी। फ्रांस ने बताया था कि एक कार हादसे के बाद क्रोनिये मजहब और ईश्वर के बहुत करीब हो गए थे। वो उस कार में सवार थे जिसकी टक्कर से एक छोटी लड़की की जिंदगी चली गई थी और इसके बाद उन्हें उनमें ये बदलाव आए थे। और समय का चक्र देखिए, 1 जून 2002 को क्रोनिये की ये भविष्यवाणी तब सही साबित हुई जब 1 जून 2002 को उनकी एक विमान हादसे में जिंदगी खत्म हो गई। फ्रांस ने बताया कि उनके जीवन का एक अहम और जोखिम भरा हिस्सा था उनके भीतर का कौतूहल पर। साल दर साल क्रिकेट खेलते हुए, होटलों और एयरपोर्ट्स पर रहते हुए वो काफी थक गए थे और बोर भी हो गए थे। इसी बोरियत के कारण शायद उन्होंने सोचा हो कि ये कुछ दिलचस्प होगा। जी हाँ, बात यहाँ पर फिक्सिंग की है। साल 1996 में दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे में क्रोनिये बोरियत का शिकार थे, ऐसे तो किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं है। अलबत्ता शुरुआती नानुकुर के बाद साल 2000 में केंग कमीशन के सामने क्रोनिये ने यह कबूल किया था कि भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए अंतिम दिन अगर उनकी टीम विकेट गंवाती है तो उन्हें $30,000 मिलेंगे। फिर तो फिक्सिंग का ऐसा कच्चा चिट्ठा खुला कि उसकी लपेट में हर्षल गिब्स, निकी बोय समेत दक्षिण अफ्रीका के कई खिलाड़ी आए, लेकिन आजीवन प्रतिबंध सिर्फ क्रोनिये पर ही लगा। हालांकि जांच के दौरान क्रोनिये ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा था कि किसी शैतानी ताकत ने उनसे ये सब करवाया है। देखते ही देखते अफ्रीका का ये गोल्डन बॉय कामयाबी की बुलंदियों से लुढ़क कर बदनामी के गर्त में पहुंच गया था। लेकिन इसे भुलाया नहीं जा सकता कि 90 के दशक में क्रोनिये दक्षिण अफ्रीका में बेहद लोकप्रिय थे और उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बाद बेहिचक दूसरे पायदान पर रखा जा सकता था। शायद यही वजह थी कि मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद आजीवन प्रतिबंधित किए गए क्रोनिये को साल 2004 में एक सर्वे में भी दक्षिण अफ्रीका के सबसे महानतम शख्सियतों की सूची में 11वां स्थान मिला था। क्रोनिये की पहचान एक बेहतरीन ऑलराउंडर और चतुर कप्तान के रूप में थी। अगर उनके माथे मैच फिक्सिंग का दाग ना लगा होता तो संभवतः वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार होते। बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कुल 68 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और 53 में बतौर कप्तान मैदान में उतरे। उनके कप्तान रहते 27 में टीम जीती जबकि 11 में दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त मिली। क्रोनिये ने 138 वनडे मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की और 98 में टीम को जीत दिलाई। यही नहीं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को दुनिया के जिस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो भी हैंसी क्रोनिये ही थे। इससे सचिन ने कई मर्तबा विभिन्न मंचों पर माना भी है। सचिन ने कहा कि क्रोनिये ने उन्हें इतना ज्यादा परेशान किया कि वो समझ ही नहीं पाते थे कि उनके खिलाफ क्या किया जाए। मास्टर ब्लास्टर ने द गार्डियन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, ईमानदारी से कहूं तो हैंसी ने मुझे किसी अन्य गेंदबाज से ज्यादा परेशान किया था। जब भी हम दक्षिण अफ्रीका से खेलते थे तो हैंसी मुझे हमेशा आउट करने में एलन डोनाल्ड या शॉन पोलक से आगे रहते थे। ऐसा नहीं था कि मैं उनकी गेंदों को समझ नहीं पाता था, लेकिन पता नहीं क्या था कि गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली जाती थी। सचिन ने डर्बन का मैच याद करते हुए कहा था कि उस मैच में मैंने डोनाल्ड और पोलक के खिलाफ शानदार शॉट खेले, तभी गेंदबाजी परिवर्तन के बाद हैंसी क्रोनिये आए और मैंने उनकी पहली गेंद को फ्लिक करते हुए लेग स्लिप में कैच दे दिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।